खरगोन के पुराने अस्पताल परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने रक्तदान करके अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर लोगों को प्रेरित किया। हम आपको बता दें कि रोटरी क्लब और लोखंडावाला परिवार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस एक दिवसीय शिविर में 100 से अधिक लोगों ने रक्तदान करके समाज सेवा का काम किया। इस दौरान इदरीश बोहरा ने बताया कि रक्तदान महादान है, उपलब्ध इस यूनिट से लोगों की जिंदगी बचाई जाएगी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। अब्बास भाई लोखंडवाला की स्मृति में रखा गया है। 19 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि होती है। 2014 में उनका देहांत हुआ था, उसी उपलक्ष्य में इस बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यह रक्तदान शिविर रोटरी क्लब और लोखंडवाला परिवार की सम्मिलित सम्मेलन किया गया है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आह्वान किया गया था कि लोग आए रक्तदान करें। जैसा कि हम जानते हैं रक्तदान सबसे बड़ा महादान होता है, इससे बड़ा महादान कोई भी दुनिया में नहीं होता, क्योंकि रक्त हमारे जो हम देते हैं उन लोगों को लगता है जिसकी ज़रूरत होती है, जो ज़िंदगी देता है। और मुझे खुशी हो रही है, लोखंडवाला परिवार को खुशी हो रही है, रोटरी क्लब को खुशी हो रही है कि लोगों ने इस रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अभी तक लगभग 110 यूनिट के करीब हमारे रक्तदान हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा गिनती और बढ़ती जाएगी। और मैं सभी शहरवासियों का आभार प्रकट करता हूं कि जिनसे बढ़ चढ़ के इस शिविर में हिस्सा लिया और स्वर्गीय अब्बास भाई लोखंडवाला की स्मृति में रक्तदान दिया। क्या नाम है आप? इदरीश बोहरा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।